गाइस इतनी सारी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि भाई डोबरमैन की वीडियो लेकर आओ और वो भी अंडर 10,000 पीस में। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक हो जो डोबरमैन को अंडर 10,000 पीस में परचेज करना चाहते हो तो स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में जो डोबरमैन को लेकर डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोग इन पपीज को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो या फिर नहीं। तो ये सब जानने के लिए प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। सो दोस्तों डोबरमैन को अपनी फैमिलीज के लिए बहुत ही वफादार माना जाता है क्योंकि अपनी फैमिलीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज ये एक फियरलेस डॉग ब्रीड है जो अपनी फैमिलीज को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। अगर आप लोग इनके ओनर को जरा भी टच करते हो तो हो सकता है कि आपके ऊपर अटैक कर दें और इसी वजह से काफी लोगों को लगता है कि डोबरमैन काफी अग्रेसिव डॉग ब्रीड है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अग्रेसिव नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव है। वैसे डोबरमैन बेवजह कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। जब इनको लगता है कि इनके ऊपर या इनकी फैमिलीज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उस टाइम ये काफी अलर्ट हो जाते हैं और अटैकिंग भी। सो इस पपीज की क्वालिटी भी आप लोगों के सामने है तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफी अच्छी है और इनमें आप लोगों को कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं चॉकलेट एंड ब्लैक एंड टैन। वैसे पपीज की मदर फादर की मैटिंग की वीडियो भी अवेलेबल है जो कि ओनर आप लोगों को ऑन डिमांड दे देंगे तो आप लोग उन्हें एनी टाइम कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। ओनर कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वैसे गाइस डोबरमैन फर की स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड में से तो एक है ही, साथ ही साथ इन्हें परचेज करने के आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स भी होने वाले हैं और वो है इनके कोट को लेकर जिन्हें आप लोग बहुत ही इजीली मेंटेन रख सकते हो क्योंकि ना तो इन्हें ग्रूमिंग की जरूरत होती है और ना ही इन्हें महंगे महंगे शैम्पूज की। और शॉर्ट कोट के डॉग्स का आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शेडिंग के टाइम पर आप लोगों को उनके हेयर्स घर में जगह जगह देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इस चीज का पता उन्हीं लोगों को लगता है जिनके पास लॉन्ग कोट के डॉग्स होते हैं। वैसे मेरे पास जो मीडियम कोट की जर्मन शेफर्ड है शेडिंग के टाइम पे मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके हेयर्स को लेकर। वैसे तो ये चीज कोई भी नहीं चाहेगा कि डॉग्स के हेयर आप लोगों के कपड़े बिस्तर या खाने में मिले तो इसीलिए आप लोग शॉर्ट कोट के डॉग्स के लिए जा सकते हो। तो डोबरमैन को परचेज करने से पहले मेक श्योर ये गार्ड डॉग ब्रीड है तो स्टेंजर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये अग्रेसिव होते हैं तो इन्हें अर्ली एज से ही इन सभी चीजों के लिए अच्छे से सोशलाइज कराएं। तो अपने से जो लोग भी एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो डोबरमैन आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फिर सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये डोबरमैन पपीज 35 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है नांगलोई मेट्रो स्टेशन दिल्ली NCR से। बाकी रही बात डिलीवरी की तो वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इन्हें परचेज करने के लिए तो डायरेक्ट ओनर के पास जाएं इनकी क्वालिटी वगैरह देखें और उसके बाद में आप लोग इन्हें परचेज करें। और प्राइस का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि काफी अफोर्डेबल है तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 12,000 पीस 12,000 रुपए एंड फीमेल की के जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए। बट ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कैसे बार्गेनिंग करके इनका प्राइस कितना कम करा सकते हो क्योंकि प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड धमाकेदार वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।